पाटिल जी। सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा, कोरिया कुमार डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव के नाम पर होगा कृषि महाविद्यालय बैकुंठपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोरिया जिले के अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान, जहां जिले के विकास के लिए करोड़ों रुपयों की लागत के लिए विकास कार्यों की सौगात दी है, वहीं जन आकांक्षाओं के अनुरूप घोषणाएं कर जिलेवासियों का दिल जीत लिया। सीएम बघेल ने कृषि महाविद्यालय चेरवा पारा परिसर में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि महाविद्यालय चेरवा पारा बैकुंठपुर का नामकरण कोरिया कुमार डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव के नाम पर करने की घोषणा की। इसी तरह उन्होंने कोरिया जिले के नागपुर में शासकीय महाविद्यालय और चिरमिरी में उद्यानिकी महाविद्यालय की मंजूरी की घोषणा की है। नागपुर में महाविद्यालय प्रारंभ करने की मांग भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरो और चिरमिरी में महाविद्यालय प्रारंभ करने का आग्रह मनेन्द्रगढ़ विधायक श्री विनय जायसवाल ने किया था। कृषि महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए लगभग 222 करोड़ रुपए की लागत के 210 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 61 हितग्राहियों को 3,23,00,000 रुपए की सहायता राशि और हितग्राही मूलक सामग्रियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने जिले के प्रवास के दौरान जिले के सोनहट विकासखंड के ग्राम घुघरा में 40,19,000 रुपए और ग्राम पुसला में 22,84,000 रुपए की लागत से निर्मित मल्टी यूटिलिटी सेंटर का लोकार्पण किया। सीएम बघेल ने सोनहत विकासखंड के ग्राम बसवाही में लगभग 20,00,000 रुपए की लागत से निर्मित नवीन पंचायत भवन सह राशन दुकान का लोकार्पण भी किया। छत्तीसगढ़ से सुरेश मिनोशा की रिपोर्ट, प्राइवेटी न्यूज। भवन भी है 145,93,00,000 के कार्यों का शिलान्यास हुआ है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। विकास दो तरीके से, एक विकास है जिसमें सड़क है, पुल पुलिया है, नहर है, बांध है, बिल्डिंग है। दूसरा विकास है व्यक्तियों का। ये विकास यहाँ के 2,80,00,000 जो जनता निवास करती है छत्तीसगढ़ में, उनका विकास। और इसमें हम लोगों ने सब वर्गों का ध्यान रखा है। आप ही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, क्यों आप साथ नहीं रह सकते? कौन है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? व्यक्ति का विकास। और इस विकास में हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, वृद्ध लोग, गांव के रहने वाले लोग, शहर के रहने वाले लोग, इनके विकास की बात, कैसे इनके आय में वृद्धि हो, ये बड़ी चुनौती। जब हमको शासन मिला 41,000 करोड़ का कर्जा, दूसरे तरफ 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, 41% से अधिक महिलाएं एनीमिया से पीड़ित, 37.5% बच्चे कुपोषित, ये छोड़ के गया है रमन सिंह जी। 15 साल में हमको जो छोड़ के गए हैं वो ये छोड़ के गए, उसके पहले 3 साल।
Thank you.